ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से है, जहां आदिवासी नाबालिग बच्ची के साथ मारपीट और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के मामले में पुलिस ने आखिर एक महीने बाद दोनों ही फरार महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर ही लिया। दोनों की गिरफ्तारी दरबा इलाके में मौजूद एक घर से हुई है। आपको बता दें, दरअसल कुछ दिनों पहले बलदेव स्टेट में महेश चांडक के परिवार की दो महिलाओं द्वारा घर में काम के लिए तोंगपाल से लाए गए एक नाबालिग आदिवासी बच्ची को मानसिक रूप से प्रताड़ित और उसके साथ मारपीट करने का मामला सामने आया था। तभी बच्ची प्रताड़ना से परेशान होकर किसी तरह मालकिन के घर से भागने में सफल हुई। वह अपने पिता बलदेव बघेल को आपबीती सुनाई, जिसके बाद नाबालिग बच्ची के परिवार व आदिवासी समाज ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें कोतवाली पुलिस ने दोनों ही महिला के खिलाफ 344, 323 और 34 IPC धारा के तहत मामला दर्ज किया था। क्योंकि नाबालिग बच्ची आदिवासी समुदाय से थी, ऐसे में अजात थाने में भी दोनों ही आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और FIR दर्ज होने के बाद से ही दोनों महिलाएं फरार हो गई थी, जिनकी तलाश पुलिस द्वारा टीम कर की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दरबा इलाके में एक मकान से दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और हिरासत में लेकर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोपियों में एक महिला का नाम मीना चांडक है, वहीं दूसरी युवती का नाम मनीषा चांडक है। प्राइम न्यूज 24 के लिए मोहम्मद अल्ताफ की रिपोर्ट। गिरफ्तार किया गया कोतवाली से। हमारे पास एक प्रकरण आया था बलदेव स्टेट जगदलपुर का, एक नाबालिग आदिवासी बच्ची है, फिर उसको तोंगपाल से लाए थे घरेलू काम करने के लिए और घर में रख के उसको खाना पीना देने का 5,000 देने का हुआ था बात। और लड़की को कुछ दिन तक तो ठीक रह के बताई है वो, फिर उसके बाद उसको मारना पीटना गाली गलौज करना शुरू कर दिए थे। लड़की को खाना वाना कम देते थे बताई थी। जाँच में कोतवाली में लड़की का पता चला कि वो ST कैटेगरी की है, तो कोतवाली में पहले 323, 344, 34 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध करके जाँच कर रहे थे। जब बच्ची आदिवासी कैटेगरी की थी, उसका जाति प्रमाण पत्र मिला तो उसमें धारा 3(1)(3)(2)(5) का ST/SC का लगा के आदिवासी थाना में ट्रांसफ़र किए थे। जब से हमको प्रकरण मिला था तब से लगातार हम लोग आरोपियों की पता तलाश कर रहे थे। उसमें आरोपी दोनों को बताए थे, मीना चांडक और मनीषा चांडक और मीना चांडक को। तो जिस घटना जब से रिपोर्ट हुई थी तब से हम लोग बलदेव स्टेट छोड़ के फरार हो गए थे। हमको कल मुखबिर से सूचना मिली थी कि ये अपने ससुराल के जगह में आके हैं दरभा में, तो अपनी टीम के साथ DSP साहब के मार्गदर्शन में जाके उनको लेके आए और कल गिरफ्तार करके माँ बेटी दोनों को मीना और मनीषा को माननीय न्यायालय DJ मैडम के यहाँ पेश किए थे, जहाँ उनका वारंट बना दिया, जेल वारंट, और उनको कल ही जेल दाखिल कर दिया गया है।